सत्तर दिवस की अंधारी रात पछी फरी एक वार आजे उत्साह उमंग धैर्य नो नवो सूर्योदय थयो छे। उत्तरकाशीनी टनल में 41 जेटला मजूरो जे फसाया था तेओने सही सलामत रीते रेस्क्यू करवामां आव्या छे। दर्शक मित्रों, न केवल श्रमिकों परंतु आखा भारत देश में खुशीनो माहौल छे, कारण के 17 दिवस सुधी जीवन अने मौत वच्चे जजूमवुं ए नानी बाबत नथी। उत्तरकाशीनी टनल में जे 41 जेटला श्रमिकों फसाया था ते पोताना जीवना जोखमे लड़ी रहा था। वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी जीए टेलिफोनिक बातचीत करी छे, तेओना धैर्य ने पण तेओ एक प्रशंसनीय बाबत कीधी छे, साथे जीवनना जंग सामे लड़िया छे ते बाबते पण तेओए वखाण कर्या छे। वडाप्रधाने बातचीत करी छे, साथे ज अनेक जे श्रमिकों फसाया था ते 41 जेटला श्रमिकों हता ते लोकोने थोड़ा दिवस माटे ज हवे हॉस्पिटलमां डॉक्टरना निरीक्षण हेठळ राखवामां आवशे। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? सभामत बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उसमें स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू-तू मैं-मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इशारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर और सब अदर अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर, किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था, खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर, और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं, मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, एक्सकवेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे, और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे?
जी सर वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का, करना अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ गब्बर सिंह नमस्ते सर। जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते